गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सो क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट वीक आपका है, गुड इवनिंग, तो जो फर्स्ट वीक आपका है वो बेसिक वीक है। दैट मीन्स उसमें हम सेट थ्योरी, रिलेशंस, फंक्शंस, कंपोजिशंस और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है बेसिकली, ठीक है। काउंटिंग भी आपको सिखाई जाएगी कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी वीक में हैं, जो बेसिक बेसिक सी चीज़ें आपके पास होंगी। इस वीक में टू असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी। जो फर्स्ट असाइनमेंट होगी वो तो यहीं पर आपके सामने लाइव डिस्कस करी जाएंगी, बट एक असाइनमेंट एज अ होमवर्क पर्पज़ आपको दी जाएगी, जो कि आपको सॉल्व करते रहना है और टाइम के साथ वो क्या होगा, आप उसे क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिक सा है, सेट थ्योरी से हम बिगिन कर रहे हैं, ठीक है। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। वीडियो मैं ऑफ रखूँगा, थोड़ा सा लोड जो है सिस्टम पे कम रहता है आपके फिर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी से। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर है, ऑल राइट। तो सबसे पहले आप मुझे बताओगे कि सेट की क्या डेफिनेशन होती है, जो आप सीख के आए हो। जल्दी जल्दी से करेंगे इस पोर्शन को। सेट की डेफिनेशन बताओ। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बस हम इसमें क्या करेंगे, एक और टर्म ऐड कर देंगे जिसका नाम है डिस्टिंक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोन को आपने लैंडस्केप मोड में रखना है, ठीक है। अगर आपको प्रेजेंटेशन जो आपकी है उसको आपको पिन करना है और उसको लैंडस्केप मोड में आपने रखना है फोन को, ठीक है, तभी आपको बेटर शो होगा। सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अब दो वर्ड्स हैं जो इस डेफिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला है वेल डिफाइंड और दूसरा है डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग समझते हो बताओ। बताओ वेल डिफाइंड से क्या मीनिंग है, बोलो। वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग होता है, बोलो। जिसमें क्या बोल रहे हो मुकुल, हाँ, जिसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है। तो वेल डिफाइंड, जैसे कि किसी चीज़ को हमें क्या बोलना होता है, मैथमेटिकली वो करेक्ट है या नहीं है। जैसे कि कुछ स्टेटमेंट इस तरीके से बनाई जा सकती है जिसे ना तो कोई करेक्ट कह सकता है और ना ही इनकरेक्ट कह सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा, एक एक स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ ऐसी, जस्ट प्लेइंग क्रिकेट इज़ अ फन, राइट। सो मेरे हिसाब से क्रिकेट खेलना एक फ़न है, बट सभी के लिए ज़रूरी नहीं है कि क्रिकेट खेलना एक फ़न हो। सकता है पर्सन टू पर्सन वेरी करे, किसी को क्रिकेट पसंद ही ना आता हो बिल्कुल भी। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज़ नॉट मैथमेटिकली करेक्ट। ना तो ये ट्रू हो रही है और ना ही ये फॉल्स हो रही है। तो जो चीज़ ना तो ट्रू हो ना ही फॉल्स हो उसे हम स्टेटमेंट नहीं कहते हैं। तो इसे मिटा देंगे यहाँ पर से। तो क्या लिखेंगे कि वेल डिफाइंड का सिंपली मीनिंग है नो कन्फ्यूजन इन इंक्लूजन स्लैश एक्सक्लूजन ऑफ एलिमेंट्स। तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इंक्लूजन में और एक्सक्लूजन में, ठीक है। ऑल राइट, एलिमेंट्स के इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ डिस्टिंक्ट का बस हमने डिस्टिंक्ट जो वर्ड जोड़ा है उससे बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि डिफरेंट जनरली हम क्या रखेंगे, एलिमेंट्स रखेंगे। सेम टू सेम एलिमेंट को हम दो बार सेट के अंदर प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। अब फटाफट से कुछ नोटेशंस लिख लेते हैं। सो नोटेशन हमें पढ़ना है। तो जनरली सेट्स को कैपिटल लेटर्स से डिनोट किया जाता है। सेट्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। आपको अपनी नोटबुक में साथ साथ में लिखते रहना है, ठीक है, क्योंकि मैं भी देखो सामने सामने ही आपके सामने लिख रहा हूँ, तो आप साथ साथ में नोट डाउन कर सकते हो। ये जो कोर्स है ये बहुत बड़ा आपका कोर्स होने वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम में भी इसका वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो एनालिसिस जो है हर जगह हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं एनालिसिस एक रोल प्ले करने वाला है। तो जो नोटबुक आपकी होगी आपको इसे प्रॉपरली बनाते रहना है। जितने भी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे आपको साथ साथ में उसमें अपनी प्रॉब्लम्स को लिखते रहना है और उनका सॉल्यूशन लिखते रहना है, क्योंकि 1 ईयर का गैप है,
कोई चीज़ अगर आज आपको आज अच्छे से समझ भी आ चुकी है, ज़रूरी नहीं है कि 5 to 6 month बाद भी आपको याद रहे। 5 to 6 month बाद को आपको रिवाइज करना होगा, तब जाकर आप उसे समझ सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। तो नोटबुक में आपको साथ साथ, हाँ बोलो सर, इसमें आप TIFR का भी पढ़ाओगे? देखो ये 1 year का कोर्स है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन्ड कोर्स है। इस तरीके से आपने समझना है कि इसे हम थियोरेटिकल कोर्स भी थोड़ा बहुत बनाएंगे। तो TFR के लिए मतलब पूरी तरीके से फोकस नहीं होगा, मेनली फोकस्ड एग्जाम के लिए होगा। बट जैसे आपका TFR का एग्ज़ाम आने वाला होगा, उससे पहले आपको थोड़ा बहुत TFR के लिए भी प्रिपेयर कराया जाएगा। ठीक है, जो जो सिलेबस है TFR का, एटलीस्ट वो तो कवर करवा ही दिया जाएगा। ठीक है, ओके। मतलब देखो इस तरीके से आपको समझना है कि यहाँ पर आपको 1 year का कोर्स होने की वजह से ये बेनिफिट है कि काफ़ी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, साथ साथ में आपको सब कुछ सीखते हुए चलोगे। तो TFR के लिए कोई डिफरेंट तरीके से प्रिपरेशन नहीं होती है। TFR के लिए बस प्रिपरेशन यही है कि आपका माइंड कितना शार्प है, आप कितनी जल्दी किसी भी जो भी चीज़ आपके सामने दी गई है, आप उसे कितनी जल्दी एनालाइज कर रहे हो उन प्रॉब्लम्स को। इस तरीके से आपको अपने माइंडसेट को बनाना है। तो आप थोड़े दिन डेमो क्लास अटेंड करो, आपको समझ आ जाएगा कि कोई डिफरेंस नहीं है। यहीं से आपका सारा लेवल बिल्डअप होता हुआ चलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस 1 week तक क्लासेस अटेंड करनी है, असाइनमेंट शीट सॉल्व करनी है, आपको समझ आ जाएगा कि दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, नाउ सेकंड चीज़, हमने कहा कि सेट्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर्स। नाउ सेकेंड चीज़ है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेट क्या है, कलेक्शन है। अब जिन चीज़ों को आप कलेक्ट कर रहे हो उनको हमने नाम दिया ऑब्जेक्ट। बट जनरली ऑब्जेक्ट वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, इसकी जगह हम क्या यूज़ कर लेते हैं, एलिमेंट, या फिर बहुत जगह लिखा रहता है मेंबर। तो ये तीनों टर्म जो है सिनोनियम्स हैं, आर सिनोनियम्स। ठीक है, थर्ड, जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट लिखा, एलिमेंट लिखा, मेंबर लिखा, अब मुझे ये बात कहनी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। तो स्मॉल लेटर्स, सो फॉर एग्जांपल स्मॉल ए, स्मॉल बी, एक्स, वाई, जेड, एटसेट्रा। नाउ अगर आपको ये बोलना है कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस सेट में बिलोंग कर रहा है ना, तो इस बिलोंग करने का क्या मीनिंग है, कि वो उस सेट में प्रेजेंट है। तो इस बात को मैथमेटिकली कैसे आपको लिखना है, कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सो दिस इज अ नोटेशन फॉर बिलोंग्स, बिलोंग्स टू। ठीक है, अगर मुझे ऐसा लिखना है कि ये एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है, तो बस आपको सिंपली क्रॉस उस पर कर देना है। सो ए डजंट बिलोंग्स टू, ठीक है, doesn't belongs to capital A। तो ये सिंपली नोटेशन है जो आपके पास है। नाउ इस डेफिनेशन के बेसिस पर एक बार हम क्या करेंगे, आप ट्राई करोगे वन सेकेंड, ऑलराइट। तो इन क्वेश्चंस को आपने ट्राई करना है, ठीक है, क्विकली। तो ठीक है, तो 1 minute का मैं आपको टाइम दूंगा। आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें ये जो कलेक्शन है, देखो आपके पास 11 कलेक्शंस हैं, इन कलेक्शंस में से कौन सा कलेक्शन सेट है या नहीं है। तो क्विकली आपने करना है, 1 minute का टाइम आपके पास है। ठीक है, तो स्टार्ट करो आप।
ठीक है, तो बताओ सभी ने आइडेंटिफाई कर लिया कौन कौन सा कलेक्शन सेट है, तो बताओ फर्स्ट वाला कलेक्शन सेट है या नहीं है? है सर। है, क्योंकि देखो क्या लिखा है सिंपली कि इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो बस आपको उन मंथ्स को कलेक्ट करना है जिनका जो कि स्टार्ट हो रहे हैं जे लेटर से। फॉर एग्जांपल कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से मंथ्स आएंगे? जनवरी, जुलाई, जून, राइट? तो तीन मंथ्स आपके आएंगे, तो सभी के लिए बिल्कुल सेम है, दिस इज वेल डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो बताओ ये ट्रू है? नो सर, ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है, व्हाट इज द मोस्ट टैलेंट इज नॉट डिफाइंड टू अस। हाँ, सो मोस्ट टैलेंटेड वर्ड इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये वर्ड जो है ये मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, ना तो ये क्या हो रहा है ट्रू बन रहा है, ना ही ये फॉल्स बन रहा है। ठीक है, तो ये सेकेंड इनकरेक्ट हो गया। नाउ अ टीम ऑफ 11 बेस्ट, तो अगेन वही वर्ड, बेस्ट वर्ड यूज हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर हम इसको कहेंगे कि इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। कुछ लोगों के लिए बेस्ट जो है, कोई प्लेयर बेस्ट हो सकता है, किसी के लिए कोई दूसरा प्लेयर बेस्ट हो सकता है, तो ये बेस्ट जो है मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, सबके लिए ये सेम नहीं है, ये वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन। अब जैसे कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, तो ये तो क्लियरली सेट होगा, क्योंकि जो भी आप अगर किसी क्लास में पढ़ते हो तो जितने भी बॉयज़ वहाँ पर है उनका ये कलेक्शन है, तो वो बिल्कुल वेल डिफाइंड है, सो इट इज़ अ सेट। फिफ्थ नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो 100 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वेल डिफाइंड है, सो दिस इज ऑल्सो अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल कलेक्ट अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो जो राइटर है मुंशी प्रेमचंद उनके थ्रू जितने नोवेल्स लिखी गई हैं, तो नोवेल्स जो हैं उनकी वेल डिफाइंड है, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी नोवेल आ जाएगी और वो बोल देंगे हम कि ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, जितनी उन्होंने लिखी है वो वेल डिफाइंड है, देयर फोर इट इज़ अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी सेट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, वो भी सेट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो अगेन वही चीज़, तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हो रहा है मोस्ट डेंजरस, तो ये जो वर्ड है ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि किसी के लिए कोई एनिमल डेंजरस हो सकता है, किसी के लिए कोई एनिमल डेंजरस ज़रूरी नहीं है कि हो, सो दैट्स वाई इलेवेंथ इज़ नॉट, सॉरी नाइन्थ इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें क्विकली पढ़ना है रिप्रेजेंटेशंस को, कि किसी सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, पहला होता है रोस्टर फॉर्म स्लैश, वन सेकेंड, इसी चीज़ को टेबुलर से भी नाम देते हैं कि टेबुलर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म। सेकंड जो फॉर्म है आपकी उसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन आप पहले से ही जानते होंगे, रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, तो जैसे कि आपके पास यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दिस रिप्रेजेंटेशन वी राइट एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक है, एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं सेपरेटेड बाय अ कॉमा, तो अगर आपको दो एलिमेंट्स लिखने हैं तो उनके बीच में कॉमा आना चाहिए, सेपरेटेड बाय अ कॉमा, सेपरेटेड बाय अ कॉमा एंड एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रेसेस, एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रेसेस। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैसे कि हमें क्या करना है, मान लो यही वाला जो था, जो ये सेट था, तो यहाँ पर मंथ ऑफ जेन, सॉरी जे लेटर से बिगिन होने वाले मंथ से, तो हमारे पास मंथ्स होते हैं जनवरी, फिर आता है जून, फिर आता है जुलाई, तो इस तरीके से आप उस सेट को लिख सकते हो। ठीक है, नाउ सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है, हम जनरली सेट बिल्डर फॉर्म का ही यूज़ करते हैं बहुत सारी जगहों पर, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में हर एक सेट को लिख पाना पॉसिबल नहीं है, बट सेट बिल्डर फॉर्म को लिख पाना ऑलवेज पॉसिबल होता है। तो जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, इन दिस रिप्रेजेंटेशन वी राइट
कॉमन प्रॉपर्टी विच इज पोजेस्ड विच इज पोजेस्ड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट. ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स उस प्रॉपर्टी को पोजेस करते हों एंड बाय, यहाँ पर इससे पहले एक वर्ड यूज़ करता हूँ मैं जिसका नाम है ओनली. ओनली का मीनिंग सिंपली ये है कि सिर्फ सेट के ही एलिमेंट उसको सेटिस्फाई करते हों, ऐसा ना हो कि कोई बाहर का एलिमेंट आकर उस प्रॉपर्टी को पोजेस कर ले, तो सिर्फ सेट के ही एलिमेंट उसे पोजेस कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक सेट मैंने लिखा, तो आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में आपने वोवेल्स को लिखा, तो मैंने लिखा ए ई आई ओ यू. नाउ इसी चीज़ को आप यहाँ पर कैसे लिखोगे, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले एक प्रॉपर्टी लिखनी है. नाउ प्रॉपर्टी आपके माइंड में है कि वोवेल्स आपको लिखने हैं, तो क्या लिखेंगे, एक एलिमेंट है एक्स जो कि अल्फ़ाबेट से आएगा. ठीक है, X belongs to set of alphabets, alphabets such that X is a vowel. तो ये आपके पास क्या है, common property है जो कि इसी set के element possess कर रहे हैं और बाकी elements possess नहीं कर रहे हैं. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, set को represent कर सकते हो. Now दो problem मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ये दोनों प्रॉब्लम्स जो आपके लिए हैं ये होमवर्क हैं. आपको क्या करना है, इन्हीं दो प्रॉब्लम्स में आपने सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करना है और रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो यहाँ पर एक स्मॉल सी एक्सरसाइज है, इजी सी है, आप कर लोगे इसे इजीली. ठीक है, तो ये पीडीएफ आपकी जैसी आपकी क्लास ओवर हो जाएगी उसके बाद आपके गूगल क्लासरूम पर आपको ये दिखाई देगी, तो वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हो. ठीक है, अभी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, इन क्वेश्चंस को आप वहाँ पर से नोट डाउन कर लेना. ठीक है, ना आगे चलते हैं. तो ये आप कर लोगे, तो अब मुझे आप बताओगे कि दो सेट्स कब इक्वल होते हैं, हम कब कहते हैं कि ये दो सेट जो हमारे पास हैं ये इक्वल है, क्या डेफिनेशन है इक्वालिटी की? सर, जब उनके सभी एलिमेंट्स इक्वल हो, तो इसी चीज को बोलने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ इक्वल, या फिर एक और चीज से हम इसको बोल सकते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे, सबसे पहले आप दो सेट्स को कंसीडर करोगे, तो आपने मान लो दो सेट्स कंसीडर किए, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स. नाउ दो सेट्स हमने कंसीडर किए, देन वी से ए इज इक्वल टू बी, तो हम ए इज इक्वल टू बी कहते हैं इफ, तो जो आप इक्वल वाली वर्ड बात कह रहे हो उसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का क्या मीनिंग होता है, बोलो, वाइस वर्सा का क्या मीनिंग जानते हो आप? सर मतलब जैसा ना उसमें वो और वैसा ही उसमें. हाँ, तो दैट मींस कि बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए में भी प्रेजेंट होने चाहिए. ठीक है, तो अगर हर एक एलिमेंट जो ए का है वो बी में प्रेजेंट है और हर एक एलिमेंट बी का है वो ए में प्रेजेंट है, तो आप उन दोनों सेट्स को इक्वल कह सकते हो. इसी चीज को लिखने का तरीका ऐसा है, ए इज इक्वल टू बी if and only if, यहाँ पर आप if and only if word use भी कर सकते हो, that means कि अगर ये वाली चीज़ true है, definition हमेशा if and only if होती है, mathematics में आप कोई भी definition पढ़ोगे तो वो हमेशा if and only if है, that means कि अगर ये चीज़ हो रही है तो फिर ये भी होगा और अगर ये वाली चीज़ हो रही है तो फिर ये वाली चीज़ भी होगी. ठीक है, तो if and only if को double imply से note करते हैं, तो double, this is a symbol of double imply, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक वर्ड यूज करूंगा फॉर ऑल, दिस इज अ नोटेशन फॉर ऑल, सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स टू बी, तो ए का अगर कोई भी एलिमेंट है तो वो बी में प्रेजेंट होना चाहिए
और अगर बी का कोई एलिमेंट है तो वो ए में प्रेजेंट होना चाहिए. सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी इम्प्लाय एक्स बिलोंग्स टू ए. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी. नाउ अब हम डिफाइन करते हैं सबसेट को. तो सबसेट की क्या डेफिनेशन होती है बताना जरा. बोलो. ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए प्रेजेंट इन बी. ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी. प्रेजेंट इन बी, तो अगर ए को हम कहेंगे सबसेट बी का, अगर हर एक एलिमेंट ए का जो है बी में प्रेजेंट हो. मैथमेटिकली इस बात को ऐसे लिखेंगे ए, तो यहाँ पर एक नोटेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, सो दिस इज़ अ नोटेशन फॉर सबसेट. अब कुछ लोग इसी नोटेशन को ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है, जैसे ये लिखा है मैंने, ये जो नोटेशन है ये एग्जैक्टली इसके जैसा है, ए सबसेट ऑफ बी. इसमें कन्फ्यूज मत होना कि ये वाला नोटेशन यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स कि वो उसके इक्वल है, ऐसा नहीं है. दोनों का मीनिंग सबसेट है. ठीक है, अब एक वर्ड होता है प्रॉपर सबसेट. तो प्रॉपर सबसेट का मीनिंग क्या है वो हम अभी देखेंगे. तो प्रॉपर सबसेट के लिए डिफरेंट नोटेशन है, बट इन दोनों नोटेशन का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है. ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि हम ए को बी का सबसेट कहेंगे इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाय एक्स बिलोंग्स टू बी. तो ये डेफिनेशन है सबसेट की. ठीक है, ऑल राइट. अब आप मुझे बताओ. हाँ बोलो सर, मतलब दोनों लिख सकते हो आप. मैंने अभी अभी आपको कहा कि डेफिनेशन जो होती है वो इफ एंड ओनली इफ ही हमेशा होती है. अगर आप किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हो, आपने कोई नेम दिया, कोई कोई कैटेगरी आपने दी एक तरीके से, तो ये कैटेगरी है सबसेट. तो आपने दो सेट्स को रिलेट करने के लिए आपने कहा कि हम एक न्यू कॉन्सेप्ट डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है सबसेट. तो सबसेट होता क्या है, वो इफ एंड ओनली इफ ही उसकी डेफिनेशन होगी हमेशा. ठीक है, ओके. अब एक क्वेश्चन है, क्विकली आपने बताना है. क्वेश्चन क्या है कि एम्प्टी सेट. नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले तो मुझे एम्प्टी सेट डिफाइन करना चाहिए था, मैं डिफाइन नहीं किया मैंने, सॉरी. तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं एम्प्टी सेट को. सो एम्प्टी सेट, तो अगर किसी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, उस सेट को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी कहते हैं. तो एम्प्टी सेट क्या है, लेट ए बी अ सेट, देन A is said to be empty. A is said to be empty if it has no element. If it has no element. जैसे कि for example, पहले इसका notation लिख लेते हैं. Example हम बाद में लिखेंगे. तो इसका notation है, या तो आप इसे phi से represent करोगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, simple curly braces लगा लो और बीच में कुछ भी मत लिखो. ठीक है, ये नोटेशन है एम्प्टी सेट का. नाउ एम्प्टी सेट को लिखते कैसे हैं, सबसे पहले ये समझते हैं. तो जैसे कि कोई सेट है मेरे पास, सॉरी, एम्प्टी सेट को लिखते कैसे हैं वो तो हमने सीख लिया. अब एक एग्जांपल हम देखेंगे कि एम्प्टी सेट दिखता कैसा है. तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने कोई कुछ बोल रहा है. ये सर, ये सर. हाँ बोलो सचिन. कर्ली ब्रैकेट में अगर फाइल लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा ना. हाँ, उस पे हम अभी भी आएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे, अभी समझ आ जाएगा आपको वो डिफरेंस. तो वो रॉन्ग होगा जो आप कह रहे हो वैसे. तो a इज इक्वल टू x, मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, x मैंने उठाया रियल नंबर्स में से. ठीक है, x इज अ रियल नंबर सच दैट, मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर इज माइनस वन, मान लो. तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कोई रियल नंबर आपके पास हो जिसका स्क्वायर माइनस वन हो? सो इट इज नॉट पॉसिबल. सो देर इज नो x फ्रॉम रियल नंबर विच विल सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी. सो दैट्स वाई ये एम्प्टी सेट है. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा एम्प्टी सेट का. ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन आपको ये मुझे बताना है कि इज एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर किसी सेट का सबसेट होता है? क्या लगता है आप? Yes, कह सकते हैं हम ऐसा? ठीक है,
कौन देगा लॉजिक? ऑल राइट, दर्शन आप बताओगे, तो दर्शन क्या लॉजिक दोगे आप अगर आपको बोलना है कि जैसे मान लो सर, जैसे एम्प्टी सेट है, मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो सर जैसे कोई भी सेट है मान लो 1 2 3, तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि इसमें एक और एलिमेंट है 1 2 3 और 5, तो सर मतलब किसी भी सेट में अपन है ना, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट में अपन एक 5 एलिमेंट लिख सकते हैं। नहीं, ये बात तो सही नहीं है, मतलब रुक जाओ, तुम गलत सोच रहे हो। सबसे पहले ये बताओ दर्शन, तुम ही बताओगे डेफिनेशन क्या है। जैसे कि डेफिनेशन आपने पढ़ी कि ए को हम बी का सबसेट कहेंगे अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो, है ना? तो ए को बी का सबसेट कहेंगे। तो जैसे मैंने एक सेट कंसीडर किया, लेट ए बी अ सेट। हमारा एम क्या है? व्हाट इज आवर एम? एम ये है कि फाई को आपने शो करना है कि फाई ए का सबसेट है। तो फिर मैंने क्या कहा, आप मुझे इस चीज़ की डेफिनेशन दे सकते हो क्या इसी के बेसिस पर कि कब आप कहोगे कि ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी? अगर मैं आपसे पूछूं कि ए नॉट अ सबसेट ऑफ बी, इस बात की डेफिनेशन देनी है, तो आप क्या लिखोगे? बताओ क्या लिखोगे यहाँ पर सर डेफिनेशन? अपन लिखेंगे कि है ना, लेट ए कंटेन्स एन एलिमेंट एक्स विच हाँ डज नॉट बिलोंग्स टू बी, हाँ तो मीनिंग मतलब ये सर है कि मतलब आप बी अपन एम्प्टी लिखोगे, ले रहे हैं तो हम। हाँ तो आप लिखोगे कि हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट नहीं है इफ देर इज अ एलिमेंट, देर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक एलिमेंट ऐसा है सच दैट एक्स सच डजन दैट बी। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और सर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा उस बात को, क्योंकि सर ए तो एम्प्टी सेट है। नहीं, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं, अभी रुक जाओ। अब जैसे कि मेरा एम ये है, सपोज अब मैं इसको प्रूफ कैसे करूंगा, मैंने अज्यूम कर लिया, अज्यूम फाई इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, तो दैट मीन्स क्या होगा यहाँ से, इससे क्या इम्प्लाई होगा? अब बोलो, ये डेफिनेशन का यूज करो, फाई अगर ए का सबसेट नहीं है, दिस इम्प्लाई, इस डेफिनेशन का यूज करो। मतलब अगर कोई कोई सेट है जो कि ए का सबसेट नहीं है, तो क्या आप कहोगे? सर जो एलिमेंट 5 में वो ए में नहीं है, सब में नहीं है। हाँ, तो दैट मीन्स कि देर इज अ एलिमेंट एक्स इनसाइड फाई सच दैट एक्स डजन बिलोंग्स टू ए, है ना? फाई ए का सबसेट कब नहीं होगा? जब ऐसी ये चीज़ ट्रू होगी। बट क्या कोई एक्स फाई में बिलोंग कर सकता है? बट फाई इज एम्प्टी, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इस आर्ग्यूमेंट से हम क्या बोल सकते हैं, इस आर्ग्यूमेंट से हम बोल सकते हैं कि आपके पास फाई जो होता है हर एक सेट का सबसेट होता है। दैट मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन किस चीज के लिए होगा, जो हमने अज्यूम किया, तो दैट मीन्स अवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। दस आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, सो फाई इज सबसेट ऑफ ए। तो फाई हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता ही होता है, ठीक है? तो ये बात आपको क्लियर होगी, तो समझ आ गई सभी को ये बात, ठीक है? अब हम एक वर्ड डिफाइन करते हैं जिसका नाम है कार्डिनैलिटी। तो कार्डिनैलिटी का मीनिंग आप पहले से जानते होंगे, बताओ क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। तो क्या लिखेंगे कि लेट ए बी अ सेट। अब तो वर्ड यूज करूंगा मैं फाइनाइट यहां पर, ठीक है, मतलब जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही हैं। लेट ए बी अ फाइनाइट सेट, लेट ए बी अ फाइनाइट सेट, देन कार्डिनैलिटी ऑफ ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट इसको इस तरीके से करते हैं कि आप मॉड लिखोगे इसके बाहर से। जनरली कुछ बुक्स में इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है, एन फिर लिखा है यहाँ पर ए, तो दैट मीन्स दे आर आस्किंग अस अबाउट द कार्डिनैलिटी ऑफ ए, ठीक है? बट जनरली हम इसी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है? तो ये मीनिंग हो गया कार्डिनैलिटी का, ठीक है? अब जैसे कि आप एक क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन करोगे, क्वेश्चन है कि फॉर अ एन कार्डिनैलिटी, फॉर अ एन कार्डिनैलिटी सेट द नंबर नंबर ऑफ सबसेट्स
ऑफ ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। तो अगर आपके पास कोई एन कार्डिनालिटी का कोई सेट है तो कितने सबसेट्स उसके पास होते हैं? अगर एन कार्डिनालिटी का कोई, हाँ कितना होता है? टू पावर एन। तो क्या लॉजिक दोगे आप टू पावर एन बोलने के लिए? कैसे आप बोलोगे कि किसी के पास, अगर जैसे कि आपके पास छोटा सा कोई सेट है, फॉर एग्जाम्पल आपने वन टू कहा, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसेट्स इसके लिखना चाह रहा हूँ। तो सबसेट का मीनिंग क्या है कि वो सेट जिसके अंदर का एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हो। तो जैसे आप वन लिखोगे, वन का वन इसमें प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स ये सबसेट है, ये भी एक सबसेट है, वन टू भी सबसेट है और फाइव भी सबसेट है। ठीक है, तो अब बताओ लॉजिक क्या दे रहे हो आप? हाँ सबसे पहले हम मान लेते हैं एक भी एलिमेंट हमने चूज नहीं किया, तो n की जीरो के नंबर ऑफ सिलेक्शन से हो कभी ठीक है। भी हमें सबसेट मिला। उसके बाद अगर एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं हमें तब भी सबसेट बन जाता है, तो ठीक है। चूज करने के तरीके n2 हो गए। तो ऐसे ही लास्ट तक हम सभी के सभी एलिमेंट भी चूज कर सकते हैं, दैट इज ntn। तो सर सभी को जो हम ऐड करेंगे तो इसका हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू 1 + x^n विल बी इक्वल टू n^0 + n^1x टू गुड, ठीक है ठीक n^3x है, ओके की वैल्यू वन गिव कर। ठीक है। तो ये करेक्ट वे है इसको प्रूफ करने का। तो जैसे कि एक मेथड, हम उस मेथड को मैं यहाँ पर नोट डाउन अभी आपको कराऊंगा। तो जैसे क्या कहा जा रहा है कि जैसे आपके पास कोई सेट है जैसे कि एन कार्डिनलिटी का है, तो सिंबॉलिकली मैं ऐसा लिख लेता हूँ उसको कि ये वन टू थ्री अप टू एन है ना, मतलब ये सिर्फ सिंबल है, मतलब कि एन एलिमेंट्स के जस्ट सिंबल हैं। अब आपके पास कोई सेट सबसेट अगर इसका है, तो सबसेट में हो सकता है एक भी एलिमेंट ना आए। तो जैसे कि आप अगर कोई सबसेट लिखना चाह रहे हो, तो सबसेट में एलिमेंट कहाँ से आप उठा रहे हो? यहीं से आप उठा रहे हो, जैसे आपने वो एग्जांपल देखा उसमें एलिमेंट सेट से ही उठाए जाते हैं। तो अगर एक भी एलिमेंट नहीं उठाया गया तो कितना क्या होगा कि जैसे कि आपके पास एन एलिमेंट्स थे, एन में से आपको एक भी एलिमेंट चूज नहीं करना है, तो दैट मीन्स कितनी नंबर ऑफ चॉइसेस हो जाएंगी? NC0। बता सकते हो ये किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा ये सबसेट है? फाई सेट, दिस इज फाई। ठीक है, ये फाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ हो सकता है आप वन कार्डिनालिटी के सबसेट्स को उठाओ, मतलब कि आपने ये एन एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट चूज करा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने ये लिखा, दिस इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ दिस, दिस इज ऑल्सो अ सबसेट, दिस इज ऑल्सो अ सबसेट, और इसी तरीके से दिस इज ऑल्सो अ सबसेट। तो दैट मीन्स यहां पर आपको इसकी वैल्यू कितनी होती है NC0 की, बताना जरा एक बार? वन होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, और अगर आप सिंगल सिंगल कार्डिनालिटी वाले सबसेट चूज कर रहे हो तो कितने बनेंगे? एन। तो लग भी रहा है, देखो यहां पर अगर मैं लिखता हूं NC1, दैट मीन्स यू आर चूजिंग वन एलिमेंट आउट ऑफ दीज एन एलिमेंट्स। तो एन में से अगर आप वन चूज करोगे तो कितने नंबर ऑफ वेज से आप वन चूज कर सकते हो? तो उसके नंबर ऑफ वेज होंगे NC1। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्डिनैलिटी वन सबसेट्स। ठीक है, हो सकता है आप वन ना चूज करो, आप टू चूज करो, टू एलिमेंट्स को चूज करो। तो फॉर एग्जाम्पल आपने वन टू, फिर आपने जैसे मान लो दिया टू थ्री, और इसी तरीके से वो चलने में लगे हुए हैं मान लो। तो आपके पास एन एलिमेंट्स में से टू एलिमेंट चूज कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली में क्रिएट कर रहे हो कार्डिनैलिटी टू सबसेट्स। ठीक है, और इसी तरीके से आप इसे लिख पा रहे हो NCN के पूरे एलिमेंट्स चूज कर दिए, क्योंकि आप जानते हो कि एवरी सेट इस सबसेट ऑफ इट सेल्फ, हर सेट अपना सबसेट तो होता ही है, तो दैट मीन्स आपने वो सबसेट जो है पूरा का पूरा वही लिख दिया, तो ये भी सबसेट है इसका। ठीक है, तो ये NCN है, तो ये क्या है? इट सेल्फ। तो इस चीज को अगर आप इस तरीके से देखो कि 1 + 1 to the power n क्या होता है, तो आप इसका एक्सपेंशन लिखोगे NC0, फिर यहां पर लिखोगे 1 to the power n और 1 to the power 0, और इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहोगे NC1, 1 to the power n-1 और 1 to the power 0। फिर मतलब कि इसको इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये कहना चाह रहा हूँ, जो पीछे वन है तो बस ये इसी के इक्वल होता है। तो दैट मीन्स ये किसके इक्वल है?
नंबर ऑफ सबसेट्स तो किसके इक्वल आ गया, ये 2 to the power n के इक्वल आ गया, राइट। अब इसी चीज को कहने का एक दूसरा मेथड भी है, जैसे कि आप इस चीज को ऐसे कह सकते हो कि आपके पास कोई सेट है 1, 2, 3 up to n। नाउ अगर आप कोई भी सबसेट लिखो तो 1 जो एलिमेंट है हो सकता है ये सबसेट में जाए, अगर ये सबसेट में गया तो एक डिफरेंट सबसेट जनरेट होगा, अगर ये सबसेट में नहीं गया तो फिर एक डिफरेंट सबसेट जनरेट होगा, है ना। तो मतलब 1 के पास कितनी चॉइसेस हैं आप बता सकते हो? 2 choice है, या तो जाएगा या नहीं जाएगा। तो अगर गया तो एक डिफरेंट सबसेट बनेगा और अगर नहीं गया तो डिफरेंट बनेगा। नाउ सिमिलरली 2 जो है अगर सबसेट में गया तो एक डिफरेंट सबसेट बनेगा और नहीं गया तो एक डिफरेंट बनेगा। बट आप देखोगे कि इसका जाना और ना जाना फर्स्ट वाले के इंडिपेंडेंट है, तो फर्स्ट वाला जा रहा है नहीं जा रहा है उससे इसको कोई मतलब नहीं है, ये तो अपनी मर्जी से जाएगा, तो दैट मीन्स बीच में आएगा मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है इंडिपेंडेंट चॉइसेस है दोनों की। तो कितना आएगा फिर यहाँ पर आंसर में, मल्टीप्लाइड विद 2। फिर सिमिलरली सभी के लिए आप यहाँ पर लिखोगे तो 2 into 2 into 2 कितने टाइम्स कर रहे हो आप, ये n टाइम्स। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो कि 2 to the power n इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का आपने फिर फॉर्मूला सीख लिया, दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ अब डिफाइन करेंगे पावर सेट को, जिसको अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, लेट ए बी अ सेट देन पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए एंड इज डिफाइंड एज पी ऑफ ए इज इक्वल टू। तो पावर सेट क्या है, पावर सेट क्या है, इसे हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि इसके अंदर वो सारे सेट्स आएंगे B such that B is subset of A। That means power set क्या है, actually एक सेट ही है, but ये सेट है किसका, sets का ये सेट है, that means इसके अंदर element जो है वो sets के रूप में present है, so it is set of sets। तो ये क्या है, set of sets है, तो B इसके अंदर आ रहा है, कौन सा B आ रहा है, जो A का subset है, that means it is a set of all subset। इट इज अः बोलो सर, इसमें अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि पावर सेट इज अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स ऑफ अ सेट ए, सबसेट सबसेट कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट, हाँ इट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है, तो कह सकते हैं ऐसा कि सबसेट्स का एक कलेक्शन है। तो पावर सेट हमने डिफाइन कर दिया, अब आप मुझे बता सकते हो कि पावर सेट में कितने एलिमेंट आ सकते हैं। सपोज आपने कहा कि लेट ए की कार्डिनैलिटी n है, दिस विल इम्प्लाय पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनैलिटी कितनी होगी, 2 power n, क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं, 2 की power n हो सकते हैं, तो पावर सेट की कार्डिनैलिटी कितनी आ जाएगी, 2 to the power n, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो देखो क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, आपने फटाफट से सोचना है एंड देन उसके बाद हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप करोगे सॉल्व, जल्दी जल्दी आपको सोचना है, 1 मिनट का टाइम है, तो करिए आप सॉल्व करिए। हाँ आंसर नहीं दिया अभी, 1 सेकंड, हाँ अभी आंसर नहीं देना है आपको, 1 मिनट का वेट करना है, सभी को टाइम देना है। हाँ कुछ और पूछ रहे हो तो बताओ।
माइक माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ बस एक सेकंड, माइक ऑफ कर दो बस। ठीक है, सोच लिया सभी ने, तो बताओ क्या लगता है कौन सा आंसर होगा? बी। चलो पहले ए से स्टार्ट करते हैं, तो आप बताओ क्या ये इसका आपको पूछा जा रहा है इनकरेक्ट। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इनकरेक्ट आपको चाहिए। तो ए में कहा जा रहा है कि 3.4 इज सबसेट ऑफ ए। तो इस चीज़ को सोचने के लिए ट्राई टू थिंक ऑन पावर सेट। जैसे कि आपने कोई सेट ए कंसीडर किया, मान लो 1, 2 उसके अंदर है, तो पावर सेट ऑफ ए दिखने में कैसा होता है फिर? मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यही आपका एक सेट है, सेट तो आपका कुछ भी हो सकता है, मैं पावर सेट के बारे में बात कर रहा हूँ कि पावर सेट में आप देखने की कोशिश करना, ठीक है? तो पावर सेट की अगर देखने की कोशिश करोगे तो जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1.2 है, तो इसका पावर सेट मैं इस तरीके से लिखूंगा 1, 2, 1, 2 और यहाँ पर लिखूंगा 5। तो एक्चुअली में ये जो है, अगर मैं यहाँ बाहर निकाल के इसको रखूँ, तो आप इसको पावर सेट का क्या बोलोगे? इस चीज़ को पावर सेट का क्या बोलोगे? इट्स अ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, क्योंकि पावर सेट में सेट्स जो होते हैं वो एज अ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, है ना? तो उसी तरीके से यहाँ पर ये 3.4 जो है एक एलिमेंट के रूप में ए में प्रेजेंट है। तो 3.4 सबसेट नहीं है उसका, ये एक एलिमेंट है ए का, ठीक है? तो दैट्स व्हाई ए इज इनकरेक्ट एंड क्वेश्चन इज आस्किंग अस अबाउट इनकरेक्ट, देयरफॉर दिस इज योर आंसर। अब बी में कह रहा है कि 3.4 बिलोंग्स टू ए, तो क्योंकि ए इनकरेक्ट है तो दैट मीन्स बी करेक्ट है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी को आप फॉल्स मार्क करोगे क्योंकि ये करेक्ट है। नाउ इसके बारे में बताओ, किसी का माइक ऑन है? बोलो। करेक्ट है, ठीक है? तो हाँ ठीक है, माइक क्लोज कर दोगे आप। तो जैसे आपके पास ये है 3.4, तो आप कह रहे हो कि एक एलिमेंट है ए का, राइट? तो किसी एलिमेंट के बाहर से अगर हम कर्ली ब्रेसेस अप्लाई करते हैं, तो जैसे मैंने कोई एक एलिमेंट है उसके बाहर से कर्ली ब्रेसेस, जैसे कि सपोज करो ए एक सेट था, ना 1 इसका एक एलिमेंट है, 1 के बाहर से मैंने कर्ली ब्रेसेस अप्लाई किए, दैट मीन्स अब ये सबसेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो है ये सबसेट है ए का, ठीक है? सो सी इज करेक्ट, बट आपके पास इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है? अब डी के बारे में बात करेंगे, तो डी में कहा जा रहा है कि 3 बिलोंग्स टू ए। तो अब बिलोंग की बात हो रही है, आप देखोगे कि ए में बस कितने एलिमेंट से, कोई मुझे बता सकता है कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है? ठीक है, नोटिस, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 4, एक एलिमेंट। दूसरा, ये सिंगल एलिमेंट है, दो एलिमेंट के रूप में कंसीडर नहीं होगा, ठीक है? तो ये सिंगल है, 3, 4, तो इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, this, 5, तो ये इसके अंदर क्या है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपके सामने एक सेट रखा, सेट ऑफ मान लो आपके पास नेचुरल नंबर है, ठीक है? अब नेचुरल नंबर के बाहर से मैंने इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगा दिया और इसको कह दिया ए। अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है, तो क्या बोलोगे आप? 1। तो ए की कार्डिनलिटी कितनी है? 1। तो उसी तरीके से ये इसके अंदर क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमारे लिए ये एक एलिमेंट है, तो ये एक सिंगल चीज है, तो 3 जैसी चीज यहां पर कोई भी प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर 3 जो है वो ए का मेंबर नहीं है, 3 इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए, ठीक है? तो यहां पर कहा जा रहा है कि 3 बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर डी पार्ट इज करेक्ट। तो करेक्ट मींस इनकरेक्ट, देयरफॉर इट इज द आंसर। बात समझ आ गई? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब जो आपने यहां पर सीखा, हाँ बोलो सर, एक बार प्लीज ए ऑप्शन प्लीज वापस बता दोगे? ये वाला ना, ठीक है। तो देखो, इस तरीके से इसको सोचना है कि जैसे मैंने आपको पावर सेट का एग्जांपल दिया, तो इसको मिटाते हैं यहाँ पर से। जैसे कि सपोज आपके पास 1.2 है मान लो, अगर मैं इसका पावर सेट लिखूंगा तो पावर सेट कैसा लिखा जाएगा? 1, 2, 1, 2 और लास्ट में लिखा जाएगा 5। तो दैट मीन्स दिस इज अ एलिमेंट, दिस इज अ एलिमेंट, दिस इज अ एलिमेंट ऑफ पावर सेट। तो अगर मैं लिखूंगा 1
तो वन में मैं बिलोंग लिखूंगा कि वन बिलोंग कर रहा है पावर सेट को, टू भी बिलोंग कर रहा है पावर सेट को, तो यहां पर थ्री कॉमा फोर भी इसी टाइप में प्रेजेंट है. तो दैट मीन्स थ्री एक्चुअली ए क्या है, ए कंटेन्स अ सेट एज एन एलिमेंट, तो देयर फोर थ्री कॉमा फोर इज अ एलिमेंट ऑफ ए. बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये बिलोंग करेगा, ये सबसेट नहीं हो सकता. ऐसा आप नहीं लिख सकते कि वन इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, ठीक है, ऑल राइट. अगर मुझे वन को सबसेट बताना है तो मुझे दो ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे उसके बाहर से, तब मैं कह सकता हूं कि इट इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए. ठीक है सर, सी ऑप्शन और ए ऑप्शन में डिफरेंस क्या है? सी ऑप्शन ये कह रहा है कि 3.4 का एक सेट है वो उसका सबसेट होएगा. नहीं 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 पहले ऐसे देखो, 3.4 के बाहर से कर्ली ब्रेसेस लगाया हुआ है, दैट मीन्स ये इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो यहां पर रखा है. नाउ एक एलिमेंट है ये, तो उस एलिमेंट के बाहर से एक और कर्ली ब्रेसेस लगा दिया गया, तो एलिमेंट के बाहर से कर्ली ब्रेसेस लगाओगे फिर वो सबसेट बन जाता है ए का. समझ गए? ठीक है, तो अब इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करो, अभी समझ आ जाएगा. तो अगर आपने इसका कोई आंसर पहले नहीं बोलेगा, ठीक है, आंसर आपको नहीं बोलना है, अगर आपको आता है तो वन मिनट का वेट करना है, देन आप आंसर बता सकते हो. तो इस क्वेश्चन में आप इसे अप्लाई करना एंड अप्लाई करके बताना फिर. ठीक है, अप्लाई करोगे एंड देन आप मुझे बताओगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा. ठीक है, कर लिया आप लोगों ने डिसाइड? ठीक है, कौन सा आंसर होगा? बी और डी. ठीक है, तो देखते हैं. तो देखो क्या लिखा है, लेट ए इज इक्वल टू दिस सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट. अगेन बात हो रही है इनकरेक्ट की, कौन सा इनकरेक्ट है इनमें से. नाउ यहां पर लिखा हुआ है 1, 2, 5 इज सबसेट ऑफ ए. तो देखो 1 आपका एक एलिमेंट है ए का, दिखाई दे रहा है कि वन एक एलिमेंट के रूप में प्रेजेंट है इसके पास. सिमिलरली आपका जो टू है वो भी एक एलिमेंट है और फाइव भी एक एलिमेंट है. नाउ एलिमेंट्स के बाहर अगर आप कर्ली ब्रेसेस लगा दोगे तो फिर वो एक सेट बन जाएगा, तो वो सबसेट होगा ए का, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट यहां पर प्रेजेंट है. तो ए इज करेक्ट, राइट? तो ए करेक्ट है, बट फॉल्स मार्क करना है तो ये आंसर नहीं होगा. नाउ बी में लिखा हुआ है कि ये बिलोंग करेगा, बट ऐसा तो नहीं है, ये तो सबसेट है इसका. सो बी इनकरेक्ट हो गया, तो दैट मीन्स बी आपका आंसर हो गया. ठीक है, नाउ सी, सी ऑप्शन में कहा जा रहा है फाइव इज सबसेट ऑफ ए. आप जानते हो कि फाइव कोई भी सेट हो, कैसा भी सेट हो, फाइव तो उसका सबसेट होता ही है, देयरफॉर सी इज करेक्ट. सॉरी, आपको क्या करना है, फॉल्स मार्क करना है, तो सी आपका आंसर नहीं होगा. नाउ डी ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है कि फाइव के बाहर से अगर आप कर्ली ब्रेसेस लगा लो, फाइव के बाहर से अगर आप कर्ली ब्रेसेस लगाओ तो वो बिलोंग कर जाएगा ए में, बट आप देखोगे कि यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं. तो जैसे कि आप डी स्टेटमेंट को कब करेक्ट कहते, जब वो ऐसा होता, ए अगर ऐसा होता तब जाकर मैं डी स्टेटमेंट को करेक्ट कह सकता था. ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू दिस देन आई कैन से दैट दिस बिलोंग्स टू ए.
देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि ए इसके इक्वल तो है ही नहीं, तो दैट्स वाई डी आपका जो है इनकरेक्ट है, सो ये आंसर हो जाएगा आपका। किसी को इसमें कोई डाउट है? सर सी और डी में डिफरेंस क्या है? सी कह रहा है कि फाई ए का सबसेट है, और सर डी कह रहा है कि जो फाई सबसेट का जो सबसेट है, नहीं सबसेट का सबसेट मत बोलो उसको, ऐसे बोलो, ऐसे सोचो कि फाई, देखो फाई के लिए बताओ सबसे पहले, फाई एक सेट है राइट, फाई एक सेट है। नाउ सेट के बाहर से आपने एक और बार कर्ली ब्रेसेस लगाया, तो जैसे फाई ए का सबसेट है, और फाई के बारे में आप बता सकते हो कि फाई पावर सेट का क्या लगता है, बिलोंग करता है पावर सेट में, तो अगर फाई के इस एलिमेंट ऑफ पावर सेट के बाहर से कर्ली ब्रेसेस लगाओगे तब जाकर ये सबसेट होगा पावर सेट ऑफ ए का। बात समझ आ रही है आपको? तो मतलब ये इसका सबसेट, किसी एलिमेंट को सबसेट बनाना है तो उसके बाहर से कर्ली ब्रेसेस लगाओ। फाई ए का सबसेट है ये हमें पता है, बट इसके उभार कर्ली ब्रेसेस लगाकर ए के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ पावर सेट के साथ इसका लेना देना है कि ये पावर सेट का सबसेट बनेगा। फिर दोनों में डिफरेंस है बहुत बड़ा, ठीक है? ओके आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड सबसेट्स को पढ़ेंगे। आप सभी इन सबसेट्स के बारे में पहले से जानते हो, तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो स्टैंडर्ड सबसेट्स को हम पढ़ रहे हैं, तो स्टैंडर्ड सबसेट्स में जैसे कि आपके पास पहला जो सेट आता है वो आता है नेचुरल नंबर्स का, तो नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे एन, एंड इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे तो वो हमारे लिए नेचुरल नंबर होगा, ठीक है? नाउ सेकेंड आता है होल नंबर। होल नंबर का कोई स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट आप इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो। थर्ड आता है इंटीजर्स, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो जेड से, तो जेड इस तरीके का नोटेशन आपके लिए इंटीजर्स का यूज होगा, ठीक है? चौथा आता है रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इस चीज को आप क्यू एंड देन बस सिर्फ क्यू, ठीक है? तो क्यू से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या है? सिंपली आपके पास नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो इस तरीके का सेट होता है। नेचुरल नंबर कैसा होता है, हम इसको रोस्टर फॉर्म में जनरली लिखते हैं, तो 1, 2, 3, ... ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस सेट को हम नेचुरल नंबर कहेंगे। होल नंबर क्या है, बस नेचुरल नंबर्स में आप एक और एलिमेंट ऐड कर दो एंड दैट इज 0, तो 0, 1, 2, 3 ... नाउ इंटीजर्स क्या है कि आप 0 को रखो और पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, सो 1, 2, 3 एंड ... फिर -1, -2, -3 एंड ... नाउ बात करते हैं रैशनल की। तो रैशनल की डेफिनेशन आपको आती है, क्या होती है रैशनल नंबर की डेफिनेशन? बोलो। ठीक है, तो P और Q क्या है यहाँ पे, यहाँ पर रियल नंबर्स, नहीं गलत बोल रहे हो आप, इंटीजर्स। तो P और Q को क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। सो P, Q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, और यहाँ पर एक और चीज लिख देते हैं कि Q जो होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये आपके पास डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। तो किसी भी नंबर को आप रैशनल कहोगे अगर आप उसे P/Q की फॉर्म में लिख पाओ, जहाँ पर P और Q इंटीजर्स हैं और Q नॉन जीरो है। नाउ आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि 0.1 क्या ये एक रैशनल नंबर है? क्यों, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो आप इसको? कैसे लिखोगे, क्या लिखूं इसके इक्वल टू में? 1/10। सो वी कैन राइट दिस दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर, राइट? तो पहला एग्जांपल हो गया। अगर मैं कोई और नंबर लिखूं, जैसे फॉर एग्जांपल 0.235, क्या ये रैशनल नंबर है? क्यों, हाँ तो क्या लिखोगे, 235/1000, ठीक है?
तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो, देयर फोर इट इज अ रैशनल नंबर। नाउ मैं आपसे पूछता हूं थर्ड स्टेटमेंट कि अगर आपके पास एक्स एक नंबर है इस तरीके का 0.3333 एंड सो ऑन, ये एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो रुक नहीं रहा है। ऐसे आपने डिविजन्स देखे होंगे जिसका डेसिमल एक्सपेंशन रुकता नहीं है, तो क्या ये रैशनल नंबर है? इसको जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 0.3 बार से। हाँ आप बताओ, 1/3 लिख दो, बट वो आपका गैस है। कोई फॉर्मल प्रोसेस है क्या आपके पास जिससे आप इस... वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को करने के लिए अपन करते हैं ना, एक्स को ही मान लेते हैं फिर 10x से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इसी प्रोसेस का यूज करेंगे। तो जैसे आपको इसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 0.3333, तो मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई कराया 10x से, तो 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.333 एंड सो ऑन। नाउ ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसमें एक खासियत है कि जैसे आप इसमें से, ये तो इन्फानाइट है, तो इन्फानाइट में से अगर आप एक टर्म निकाल देते हो तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उन चीज़ों पर, तो 3 को आप यहाँ से पिक कर लो, तो पिक अगर आपने कर लिया तो स्टिल ये डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस नंबर को दो नंबर्स की सम की फॉर्म में लिखूँगा सच दैट उनमें से एक नंबर ये हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 0.333 होना चाहिए, अब यहाँ पर 3 लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, तो 3 + 0.33 लिख सकता हूँ मैं इसको। नाउ 10x इज इक्वल टू 3 + ये जो नंबर है ये x है इटसेल्फ, तो ये x आ जाएगा, इसको माइनस में ले जाएंगे तो यहाँ पर 9x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, सो x इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि इस टाइप का नंबर भी आपका क्या हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन रुक नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक डेफिनेशन देंगे। तो डेफिनेशन क्या है, तो हम लिखेंगे अ रियल नंबर, ठीक है, अ रियल नंबर इज कॉल्ड रैशनल इफ इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर टर्मिनेटिंग, तो या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है, और इट इज नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। तो किसी भी रियल नंबर को आप रैशनल कहोगे अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो। बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो एक कंडीशन है कि उसको रिपीट करना होगा, तो क्या लिखेंगे, बट इफ इट इज नॉन टर्मिनेटिंग देन इट शुड बी रिपीटिंग, देन इट शुड बी रिपीटिंग, तो उसको रिपीट करना चाहिए फिर, राइट। तो जैसे कि ये नंबर है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन रुक नहीं रहा है, बट ये रिपीट कर रहा है, दैट्स व्हाई आई विल से दैट दिस नंबर इज रैशनल नंबर। बिना पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट किए आप पता लगा सकते हो कि ये नंबर क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, ठीक है, कैन यू गेस द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इफ इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। तो क्या आप गैस कर सकते हो कि डिनोमिनेटर में क्या रहा होगा उस रैशनल नंबर के अगर वो टर्मिनेट कर रहा है उसका डेसिमल एक्सपेंशन, कोई भी रैशनल नंबर हो। तो जैसे कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला नंबर बता सकते हो आप मेरे को, जैसे कि मैंने लिखा, सॉरी तो जैसे मैंने लिखा 2/5, तो 2/5 बताओ क्या है,
कितना होगा ये वैल्यू में, 0.4। तो देखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर गया। अगर 5/2 लिखूंगा तो 2.5। नाउ सिमिलरली कोई और नंबर आप बताओ जिसका, ऐसा नंबर बस मुझे बताओ जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो। एक और नंबर 1/2, 0.5, और कोई बता सकते हो? कोई भी बताओ, डेसिमल एक्सपेंशन बस टर्मिनेटिंग होना चाहिए। 1/25, तो 1/25 को आप लिखोगे 0.04, राइट? तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसके डिनोमिनेटर में 5 और 2 हैं, मतलब 25 है, सॉरी 5 और, यहाँ पर तो खैर 5 ही है, सिर्फ 5 का स्क्वायर है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। तो आप ऐसा नंबर ढूंढ ही नहीं सकते जिसमें 5 और 2 के अलावा कोई और नंबर हो। तो दैट मीन्स मुझे देखने से तो ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा माइक क्लोज करेंगे, तो मुझे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि फॉर अ नंबर टू बी टर्मिनेटिंग वी नीड 2 or 5 as we need only 2 or 5 as factors, ठीक है, only 2 or 5 as factors of denominator, सिर्फ 2 or 5 ही होने चाहिए। अगर 2 or 5 के अलावा आएगा तो डायरेक्टली आप कहोगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है। नाउ क्वेश्चन ये है कि क्या आप इस बात को प्रूफ कर सकते हो कि सिर्फ 2 or 5, अगर मान लो सिर्फ 2 or 5 है, सपोज, ठीक है, मैं फॉरवर्ड मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है इफ एंड ओनली इफ डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 या फिर 5 हो, या दोनों हो, या फिर कोई एक हो, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। तो मुझे इसको प्रूफ करना है, तो फॉरवर्ड जाना बड़ा आसान है। जैसे कि सपोज करो कोई भी नंबर है पी, ठीक है, मतलब पी अपॉन क्यू है। नाउ सपोज यू नो दैट इन द डिनोमिनेटर यू हैव आइदर 2 as factor or 5 as factor। तो जैसे सपोज करो 2 है यहां पर, सपोज 2 है यहां पर फैक्टर में, तो आप क्या करोगे, इसको लिख सकते हो आप पी इंटू, मतलब 2 की पावर मान लो m भी लिखा हुआ है यहां पर सपोज। तो जैसे कि p आपने p बाहर लिखा, आप यहां पर मैं 2 इंटू m लिख रहा हूं, वेयर m इज नेचुरल नंबर सम, ठीक है, नेचुरल नंबर यूनियन 0 लिख लेता हूं। तो जैसे आपके पास आपने इसे ऐसा लिखा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 × 1/2 कितने टाइम्स करूंगा, m टाइम्स, ठीक है। तो मैं फॉरवर्ड एक्चुअली जा रहा हूं, ये फॉरवर्ड के लिए प्रूफ है। दैट मींस अगर आपको पता है कि डिनोमिनेटर में ये है देन वो टर्मिनेट करेगा, ये मैं प्रूफ कर रहा हूं। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 0.5 × 0.5, तो ये कितना आ जाएगा, 0.000, और मतलब कि जितना भी नंबर होगा, जैसे 5 जितनी टाइम्स आ रहा होगा उससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, बट यहाँ पर जो भी नंबर आएगा 5 की पावर में कुछ रहेगा, तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये क्या टर्मिनेट करेगा ना, ये डायरेक्टली मैं यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूँ एग्जैक्टली, ये टर्मिनेट करेगा ना इसका डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि ये तो फाइनाइट है, राइट? नाउ एक नंबर है जिसका इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि जैसे हम सिर्फ दो लेके देखो तो 0.25, 3 लेके देखोगे तो 0.125, तो टर्मिनेट कर रहा है। तो इंटीजर इंटू सम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, ठीक है, सिर्फ अगर 2 होगा तो टर्मिनेट करेगा, जैसे कि ये केस नंबर 1 है आपका। अब हो सकता है कि आपके पास p अपॉन q सिर्फ 5 के फैक्टर्स हो, 5 के फैक्टर्स हो, अगेन मैं वही कहानी यूज करूंगा, तो मैंने इसे 1/5 × 1/5 लिखा, कितने टाइम्स, m टाइम्स, ये कितना जाएगा p इंटू 5, 1/5, तो 1/5 आपके पास कितना होता है, 0.2, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है बताओ, इसका जब प्रोडक्ट होगा तो कोई टर्मिनेटिंग आएगा, जैसे कि 0.2 × 0.2 0.04 0.08, और ऐसे ऐसे करके जितने टाइम्स ये होगा उससे टर्मिनेटिंग आ जाएगा आंसर। और किसी इंटीजर को उस टर्मिनेटिंग से मल्टीप्लाई कराओगे तो नॉन टर्मिनेटिंग तो बनेगा नहीं, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, राइट? अब अगर दोनों भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, मान लो ये है 2 की पावर m है और 5 की पावर कुछ n है,
है ना डिनोमिनेटर में, तो मैं क्या करूंगा इसे लिखूंगा 1 बाई टू इंटू 1 बाई टू अप टू एम टाइम्स इंटू 1 बाई फाइव इंटू 1 बाई फाइव इंटू 1 बाई फाइव एन टाइम्स एम टाइम्स राइट। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा p इंटू, तो ये जो है आपको फिर से दिखाई दे रहा है कि ये टर्मिनेट करेगा, और ये 0.2 0.2, तो अब ये जो है और ये जो है ये आपके पास टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का प्रोडक्ट टर्मिनेटिंग से करोगे तो भी टर्मिनेटिंग ही आएगा, सो दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग ही रहेगा। तो ये पार्ट प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 2 या 5 हो सिर्फ फैक्टर तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा। क्या आप रिवर्स पार्ट के लिए कोई प्रूफ दे सकते हो कि मीनिंग ये है कि अगर आपके पास किसी भी एक्सप्रेशन कोई भी पी अपॉन क्यू फॉर्म का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है तो फिर क्या आप उसे उसके डिनोमिनेटर को 2 और 5 का फैक्टर लिख सकते हो? किसके पास है इसके लिए वैलिड प्रूफ? हाँ बताओ मुकुल। ठीक है, समझ गया मैं तुम्हारी बात को। तो मतलब सिंपली ये मीनिंग है कि जैसे कि ये फॉरवर्ड पार्ट जब हम करेंगे, सॉरी बैकवर्ड पार्ट जब हम करेंगे, तो कोई भी अगर कोई भी रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, तो टर्मिनेट करने का मीनिंग क्या है कि उसे आप कैसे लिखोगे? जैसे मान लो 0.35 था अभी आपने देखा था, तो आप उसको लिख सकते हो ना 235 अपॉन कितना 1000 लिख सकते हो ना ऐसा। तो कोई भी अगर आपके पास क्या होगा नंबर होगा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा होगा, ठीक है, तो कोई भी नंबर आपके पास होगा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा होगा, जैसे कि A1 ऐसे ही तो होगा वो नंबर, है ना, कि कोई भी नंबर हो रैशनल डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है तो ऐसा ही होगा। तो दैट मीन्स मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, जितने टाइम्स ये है ना। कितने नंबर लिखे हुए हैं यहां पर कोई मुझे बता सकता है डेसिमल के पीछे? एन माइनस वन, ठीक है, तो अपॉन में किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा ऊपर नीचे 10^n-1 से। अब ये जो 10^n-1 आपने लिखा है इसमें फैक्टर्स कौन है? सिर्फ 2 और 5 है ना इसके फैक्टर्स, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ है कि अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही फैक्टर्स होते हैं, और अगर 2 और 5 फैक्टर्स हैं तो फिर टर्मिनेट करेगा, ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ है दिस स्टेटमेंट। तो ये आपको याद रखना है। बोलो, स्टेटमेंट रिपीट करूँ? ठीक है, तो स्टेटमेंट देखो ये है, तो स्टेटमेंट सिंपली ये है, ठीक है, तो क्या लिखोगे, अ रियल नंबर, ठीक है, नहीं ऐसा लिखते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रियल नंबर इज टर्मिनेटिंग इफ एंड ओनली इफ। तो डेसिमल एक्सपेंशन किसी रियल नंबर का टर्मिनेटिंग होता है इफ एंड ओनली इफ, नहीं रैशनल लिखना चाहिए मुझे, गलती से रियल लिख दिया, ऑफ अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग इफ एंड ओनली इफ इट्स डिनोमिनेटर हैज 2 और 5 एज इट्स ओनली फैक्टर्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 2 और 5 ही, सिर्फ पावर्स भी हो सकती है उनकी, कि 2 की पावर 3, 5 की पावर इतना, तो
तो पावर्स भी हो सकती हैं, तो मतलब कि टू और फाइव ही उसके फैक्टर्स में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग तभी होता है जब ऐसा हो। तो आपने सीखा कि डेसिमल एक्सपेंशन में अगर आपके पास नंबर है तो आप उसे आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि वो नंबर रैशनल है या नहीं। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो उसे रिपीटिंग होना होगा, फिर सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब हम डिफाइन करते हैं किसको, इरेशनल्स को। अभी तक हमने कितने नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम में हमने चार सेट्स को पढ़ा जो कि स्टैंडर्ड सबसेट्स हैं रियल नंबर के, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल। फिफ्थ नंबर हम अब पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इरेशनल्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि इफ अ रियल नंबर इज नॉट रैशनल देन इट इज इरेशनल। क्या लिखेंगे, इफ अ रियल नंबर, इसे डिनोट कैसे करेंगे, क्यू सी से डिनोट करेंगे। क्यू सी क्या है हम ये बाद में सीखेंगे, तो क्यू सी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इफ अ रियल नंबर इफ अ रियल नंबर इज नॉट रैशनल देन इट्स इरेशनल, ठीक है। तो कोई नंबर अगर रैशनल नहीं है तो इरेशनल है। तो फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से सोच सकते हो कि अगर आपका ये सेट जो है रियल नंबर का है, ठीक है, इस सेट को आप रियल नंबर कंसीडर करो, तो इस तरीके से आपके पास क्या होगा, दो हिस्से होंगे इसके, ठीक है। तो मान लिया आपने ये जो सेट है वो है क्यू सी, ठीक है, इरेशनल्स। इधर आपने क्या मान लिया, क्यू मान लिया। नाउ जो नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, वो क्यू के ही सबसेट्स हैं, तो आप इसको कंसीडर कर लो नेचुरल नंबर। सिमिलरली होल नंबर जो होगा वो थोड़ा सा इससे बस बड़ा होगा, तो आप इसे कंसीडर कर लो होल नंबर। फिर आपके पास आएगा इंटीजर्स, ठीक है, एंड देन सबसे बड़ा सेट जो है वो आएगा रैशनल का। फिर रैशनल जो है कम्प्लीटली डिसजॉइंट है इरेशनल से, और ये कम्प्लीट जो ये जो बाहर वाला बॉक्स है इसे हम क्या नाम देंगे, सेट ऑफ रियल्स। रियल्स को डिनोट करते हैं इससे, ठीक है, आर, ठीक है। तो सभी को बात समझ आ गई होगी, ठीक है। बस एक लास्ट सबसेट लिखना है मेरे को, वो आपको पहले से पता है इंटरवल्स की डेफिनेशन क्या है, मुझे वो नोट डाउन करानी है। तो इंटरवल्स, किसी को डेफिनेशन पता है इंटरवल की, बोलो। तो मैं इंटरवल को आई से डिनोट कर रहा हूं, तो लेट आई बी सबसेट ऑफ आर। तो बताओ इंटरवल की डेफिनेशन आपको पता है, क्या डेफिनेशन लिखेंगे कि कोई भी सबसेट इंटरवल कब होगा, रियल लाइन का कोई भी सबसेट इंटरवल कब बनता है। तो क्या कहेंगे, वी से एक बार रिपीट करो, सब सुना नहीं दिया सर। मतलब कोई भी दो रियल नंबर्स के बीच में लाए करने वाली जितनी भी वैल्यूज है ना, वो उसमें बिलोंग करनी चाहिए, राइट। सो वी से आई इज एन इंटरवल इफ फॉर एनी, कोई भी दो एलिमेंट आप उठाओ आई से, इनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इफ फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर, सॉरी आई, एंड जेड जो है ये रियल नंबर से मैं उठा रहा हूं, ये ध्यान देना आपको, ए और बी तो मैं आई से ही उठा रहा हूं, बट जेड जो है रियल नंबर से उठाया जा रहा है। If for any AB belongs to I and Z belongs to R, such that आपके पास ये इस तरीके से है, ठीक है, We have Z belongs to A। तो अगर हमारे पास क्या आ जाए, कोई भी दो एलिमेंट इंटरवल के नहीं, कोई भी दो एलिमेंट I से उठाने पर उनके बीच के सभी रियल नंबर्स A में बिलोंग करें, तो आप उस चीज़ को, उस सबसेट को आप इंटरवल नाम दोगे, ठीक है। तो जैसे कि इसमें कैटेगरी में डिवाइड इसको हम कर सकते हैं ओपन इंटरवल। क्या होता है ओपन इंटरवल, इसको डिनोट किया जाता है ऐसे और लिखा जाता है जेड बिलोंग्स टू आर सच दैट ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे के सारे कंटेंड होंगे। नाउ क्लोज इंटरवल डिफाइन करते हैं, क्लोज्ड,
हाँ बोलो। जेड बिलोंग्स टू आर है, रियल नंबर। ये मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो इस बात का मीनिंग क्या है। सिंपली मीनिंग ये है कि अगर आपके पास ये स्टेटमेंट ट्रू है कि कोई भी दो एलिमेंट आप आई से उठाओ, अब एक एलिमेंट आपने आर से उठाया जिसमें ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि वो ए और बी के बीच का होना चाहिए, तो अगर इन दो एलिमेंट्स के लिए और इस जेड के लिए ये चीज़ ट्रू है कि जेड ए का एलिमेंट है, मतलब जेड हम ए से नहीं उठा रहे हैं, जेड हम आर से उठा रहे हैं, तो मीनिंग ये है कि ए और बी के बीच में जितने भी आर के एलिमेंट हैं, अगर उसके लिए ये बात ट्रू है कि जेड ए का एलिमेंट है, तो फिर आप कह सकते हो कि वो इंटरवल है। समझ गए? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक एलिमेंट उठाया ए इंटरवल से, बी इंटरवल से, अब मैंने कोई भी जेड उठा लिया, इनके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं, बट ये हमें नहीं पता कि ये किसका एलिमेंट है, ये रियल नंबर का एलिमेंट है, बट अगर ये जेड इसका एलिमेंट आए फॉर एवरी, कहीं पर भी आप इसको वेरी करो, चाहे आप आगे खिसकाओ चाहे आप पीछे ले जाओ, कहीं पर भी आप इसको वेरी करो, अगर ये क्या आ जाए, अगर ये ए का एलिमेंट आ जाए, तो आप कह दोगे कि ये इंटरवल है, सॉरी ए नहीं, ओहो ए लिख दिया, आई आई। ठीक है, आप समझ आ गया? सर आप समझ में आ गया सर। ठीक है, ओके ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड बिलोंग्स टू आर सच दैट ए, यहाँ पर लिखूंगा लेस देन इक्वल टू बी। अब एक सेमी ओपन सेमी क्लोज होता है, तो इधर से मैं ओपन रख लेता हूँ ऐसे, तो यहाँ पर लिखूंगा जेड बिलोंग्स टू आर सच दैट, तो इधर से एक तरफ से क्लोज है, दैट मीन्स यहाँ से इक्वल आएगा और यहाँ से नॉट इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसा आएगा, तो बस इतना ही आपको आज करना है। ऑल राइट right. तो ये जो होमवर्क है ये आप अटेम्प्ट कर लेना, इसे सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं है, जो कहाँ कहाँ थे वो होमवर्क, ये जो दो क्वेश्चंस हैं, बस दो ही क्वेश्चन होमवर्क हैं आज के लिए, बाकी हमने सारे यहीं पर सॉल्व कर लिए हैं। नोट डाउन आप इसे साथ साथ में कर सकते हो, जो आपकी क्लास चल रही है उसी टाइम पे आप नोट डाउन करोगे, ज़्यादा साफ सुथरे नोट्स होने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कुछ स्टूडेंट को लगता है कि बहुत साफ सुथरे नोट्स हों तो ही समझ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो आपने लिखे हैं तो आपको उससे ज़रूर समझ आएगा। ठीक है, तो साथ साथ में जितने फास्ट फास्ट आप नोट्स लिख सकते हो उतना लिख लो, और आप मुझे रोक भी सकते हो बीच में कि सर मुझे ये नोट करना है, तो मैं रुक जाऊंगा उतनी देर, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोलोगे कि रुकना है तो मैं रुक जाऊंगा। नोट्स क्लास के बाद अवेलेबल होंगे क्या सर? हाँ, पीडीएफ फॉर्मेट में जो नोट्स हैं आपके वो क्लासरूम पर अवेलेबल होंगे, बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप साथ साथ में लिख सकते हो उनको, मतलब कि जैसे साथ साथ में ही आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ओके सर, ओके ओके, सो ओके सर, बाय। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ मुकुल बताओ।